गर्मियों का सीजन आते ही हिमाचल के जंगल आग से धधकने लगते हैं। करोड़ों रुपए की वन संपदा आग के भेंट चढ़ जाती है। निर्दोष जंगली जानवर भी इस आग का शिकार हो जाते हैं। वातावरण में धुआं ही धुआं घुल जाता है, हवा भी प्रदूषित हो जाती है और लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ सोलन में भी देखने को मिल रहा है। सोलन की करीबन हर दिशा में आग अपना तांडव दिखा रही है और ये आग जंगल की आग है, जहां फायर फाइटर्स का पहुंचना भी मुश्किल है। गर्मियों का सीजन आते ही हिमाचल के जंगल आग से धधकने लगते हैं। करोड़ों रुपए की वन संपदा आग की भेंट चढ़ जाती है। वातावरण में धुआं ही धुआं घुल जाता है, हवा भी प्रदूषित हो जाती है, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ सोलन में भी देखने को मिल रहा है। सोलन की करीबन हर दिशा में आग अपना तांडव दिखा रही है। ये आग जंगल की आग है, जहां फायर फाइटर्स का पहुंचना भी मुश्किल है। आग इतनी बड़ी और विशाल है कि उसे 4 या 5 फायर फाइटर नियंत्रण नहीं कर सकते। इससे भी ज्यादा कर्मचारी दमकल विभाग के पास नहीं है, इसलिए जंगलों की आग राम भरोसे है। दमकल विभाग के लीडिंग फायरमैन राजेंद्र सेन की माने तो जंगलों में आग लग रही है, जिसके जिम्मेवार आसपास के लोग हैं, क्योंकि वे अच्छी घास की चाहत में जंगलों में आग लगा देते हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर आग सड़क से काफी किलोमीटर दूर लगती है, जिसे बुझाना बस की बात नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे आग को बुझाने में विभाग की मदद करें और केवल उस आग की ही सूचना दें जो सड़क के बेहद करीब हो। हर साल जब भी गर्मी का सीजन स्टार्ट होता है तो ये जो फॉरेस्ट फायर हैं ज़्यादा होती हैं। ज़्यादातर जो हमारे को आजकल कॉल्स आ रही हैं वो फॉरेस्ट फायर की आ रही हैं। हाउस फायर का जो हमारे को केस आता है बड़ा रेयर आता है कोई, तो ज़्यादातर फॉरेस्ट फायर हो रही हैं, जो कि ज़्यादातर चील के जंगलों में लग रही हैं, क्योंकि वहाँ पर बर्निंग मटेरियल ज़्यादा होता है, चील की पत्तियाँ वगैरह गिरी होती हैं तो उसमें आग लग जाती है। लगने का कारण ज़्यादातर तो लोग लगा के ही करते हैं, क्योंकि ज़्यादा अच्छा घास प्राप्त करने के लिए इन फ्यूचर वो जो घास का इसका चील की पत्तियाँ वगैरह गिरी होती हैं उनको जला देते हैं। जब जला देते हैं तो उसके बाद जो रेन्स होती हैं, रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो वाटर जो है नीचे तक चल जाता है ज़मीन में, फिर अच्छी घास आती है तो उसको गेन करने के लिए वो चीज़ जो है वो उसमें आग लगाते हैं। अभी 26 तारीख से लेकर जो है हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आ चुकी हैं, जिसमें कि लॉस्ट जो प्रॉपर्टी है वो तकरीबन 40,000 के करीब है और जो सेव्ड प्रॉपर्टी है वो 1,45,00,000 के करीब है। ज़्यादातर देखा गया सड़क के 3-4 किलोमीटर ऊपर जंगल में आग लगी होती है, तो फायर फाइटर्स को वहाँ पर पहुँचने में बहुत टाइम लगता है, दिक्कत आती है और हमारे पास मैन पावर भी कम होती है कई बार।